बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन जरा है। तो आज हम लोग एक और वीडियो एडिटिंग की क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जंप कट्स क्या होते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। कट्स लगाना तो मेन काम है वीडियो एडिटिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये पूरी देख के जानी है, वरना वीडियो एडिटिंग पूरी नहीं होगी। तो चले फिर स्क्रीन तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने कैसे कट्स लगाने हैं। अब मैं कासिम भाई को कहता हूँ कि वो स्टार्ट करें। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं जंप कट। तो मैंने एक जंप कट का फोल्डर क्रिएट कर लिया है और उसके बाद मैंने उस फोल्डर के अंदर अपनी ऑडियो और वीडियो के फोल्डर बनाकर उनमें वीडियोस और ऑडियोस ऐड कर लिए। ठीक है, तो अपना सिंपली प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं वीडियोस में जाऊँगा और यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करके अपनी टाइम लाइन में ले आऊँगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो मेरी टाइम लाइन में आ चुकी है, मगर यहाँ क्या है कि हमारी वीडियो छोटी छोटी आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है, एक तरीका तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह इस डॉट वाले पॉइंट को खींच के बड़ा कर सकते हो, मगर वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, वो थोड़ा उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल तरीके के लिए आपने फाइल को वीडियो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद सेट टू फ्रेम साइज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेट टू फ्रेम साइज पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा जूम कर लेना है। अच्छा, जंप कट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी फ्रेम को बिल्कुल जूम कर लेना है। ठीक है, अपनी वीडियो को अपनी फ्रेम को बिल्कुल जूम कर लेना है और मैं अपने सब गया था बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप चेक करें कि यहाँ से मैं इस वीडियो को फिलहाल क्या करते हैं, इसे म्यूट कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली से म्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जंप कट क्या होता है, जंप कट वो बात कर लेना है। ठीक है, जंप कट अब ऐसा था कि मान लें मुझे यहाँ पे एक कट लगाना है। एक तरीका तो ये है कि मुझे यहाँ से रिजल्ट टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये तो क्या सिंपल कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ कट करना है तो उसके लिए हम जंप कट यूज़ करते हैं मेनली। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक कट चाहिए, यहाँ पे बंदा पूरी जिम का एक वर्क कर रहा है और ये पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे यहाँ से कंट्रोल के प्रेस करना है। अब क्या होगा कि मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों में कट लग चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो और ऑडियो दोनों में कट लग चुका है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपल इसको उठा कर डिलीट कर देना है। अभी मैं यहाँ से अभी कर लेता हूँ। अभी आगे क्या जाता है, ये सेकंड बंदा आ जाता है। ठीक है, अभी मुझे इसका ये एक ही डंबल वाला चाहिए। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के प्रेस करना है और उसकी वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ से कट लग चुका है। और अभी मुझे सिंपल क्या करना है, आगे भी कंट्रोल के प्रेस करना है और इधर मैंने वीडियो को कट कर देना है। ठीक है, सिंपली गैप को रिपल डिलीट, इससे इसके आगे वाली वीडियो को डिलीट, उससे आगे ये अपना पुशअप वाली वीडियो ले आते हैं। ठीक है, पुशअप वाली वीडियो ले आते हैं। तो आप ये देखिए पुशअप वाली वीडियो को भी हम एक पुशअप के लिए रख लेते हैं। ठीक है, एक पुशअप जो ही कंप्लीट होता है सिंपली इसे कंट्रोल के, और अभी आप देख सकते हैं कि नीचे वीडियो में भी कट लग चुका है। सही है, ये हमारी मुकम्मल वीडियो और ऑडियो दोनों में कट लग चुका है। मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे वाली वीडियो को डिलीट और ये जो आगे दो तीन वीडियो है इन्हें भी सिंपल अपना इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैच। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे ये थर्ड वर्कआउट आ गया, तो ये सिंपल देख लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, दोनों फाइल को सिलेक्ट करना है, ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल के प्रेस करना है, तो ये दोनों के दरमियान कट लग चुका है। सही है, अभी मुझे इन ऑडियो को फिर दोबारा से अटैच कर लेना है इनके साथ, और अभी मुझे इस वर्कआउट को भी यहाँ से यहाँ पे एक फुल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के प्रेस करना है, आगे वाली वीडियो को डिलीट, सिंपल सी वीडियो क्रिएट कर ली। ठीक है, वीडियो को सुनने से पहले हम इसमें एक इफेक्ट डाल लेते हैं, ये पावर वाला। ठीक है, फिर हाँ ये इसको लास्ट में रखूँगा, इससे क्या होगा कि ऑडियो एकदम डाउन नहीं होगी। सो भाई वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं कि वीडियो हमारी कैसी बनी है। वही वीडियो तुम्हारी परफेक्ट बन गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।